महीनों पहले कई सारे भयंकर आंदोलन के नाम पर पूरे देश को आग में झोंकने का काम किया गया, उसी आंदोलन को एक बार फिर से चिंगारी देने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका संकेत सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचारन अलीगढ़ में मीडिया के समक्ष बयान देकर 15 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत होने की बात कही है, जिसके लिए महमूद प्रचारन ने अलीगढ़ में प्रदर्शनों को लीड करने वाले लोगों के साथ गुप्त बैठकें करी, जिससे जिला प्रशासन और खुफिया तंत्र अनजान बना रहा। लेकिन इस बात की भनक जब बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को हुई तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, डीजीपी उत्तर प्रदेश समेत जिला के आला अधिकारियों से शिकायत करके महमूद प्रचार जैसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करी है। वहीं कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं एक तरफ लोग एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद खुफिया तंत्र मुस्तैद हो गया है। सभी जगहों से निमंत्रण और डिमांड आई रही थी कि हम यहाँ आए, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था कोरोना वायरस के आने से पहले, अब कोरोना वायरस की जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी उसमें गाइडलाइंस, अनलॉक गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और पूरे देश में ही अनलॉक गाइडलाइंस जारी हो रही हैं और हर प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार जो है खुद बढ़ावा दे रही है। मैंने पत्र लिखा है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं महमूद प्राचा, जो एक देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। 15 अगस्त को मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि 15 अगस्त को ये एनआरसी को लेकर फिर से उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जो आज पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने का प्रयास कर रही है, उससे जूझ रही है। ऐसे माहौल को देखते हुए ये महमूद प्राचा मुझे लगता है इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं।